हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अगर आप जुबोश्री प्रापक हो और वेस्ट बंगाल में रहते हो तो एनेक्सा 3 आपको फील करना हर 6 महीने में मैंडेटरी है। तो देखिए, अगर आप जुबोश्री प्रापक हो तो आपको ऐसा एक मैसेज ज़रूर आया होगा तो देखिए, यहाँ पे आपका आईडी दिया हुआ है और 14 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको एनेक्सा 3 सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं। आप, मैं गूगल क्रोम में चला गया, आप कोई भी ब्राउज़र में जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बैंक लिख के सर्च कर दिया। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, एक पॉपअप यहाँ पे शो कर रहा है। आप अगर कुछ फंड डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे बंगाली में भी दिया हुआ है। देखिए, आपको एनेक्सा 3 सबमिट करना है तो यहाँ पे लिखा भी है। देखिए, बंगाली में भी लिखा है और देखिए नीचे इंग्लिश में भी लिखा है। 14/7/2022 से 21/7/2022 तक आप एनेक्सा 3 सबमिट कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा दूंगा। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा दीजिए। देखिए, पहले आपको यहाँ पे मिलेगा आईडी नंबर, आईडी नंबर देने के लिए बोलेगा। उसके बाद देखिए पासवर्ड और वहाँ पे उसके बाद कैप्चा। अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो उसका लिंक मैं लास्ट में आई बटन में दे दूँगा। कैसे पासवर्ड आप रिकवर कर सकते हैं उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में। तो मैं मेरा यहाँ पे आईडी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, कैप्चा भी फिल कर दिया। अब आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं सबमिट कर लेते हैं। देखिए, सबमिट जो ऑप्शन है नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं सबमिट क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर नाम दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाएगा। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग पे क्लिक कर दिया। अब देखिए नीचे सबमिट ऑप्शन है, मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर्स का नाम दिखाएगा। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे अदर्स कंप्यूटर ट्रेनिंग वो दिखाएगा और सेंटर का नाम देना है। यहाँ पर बॉक्स में देखिए, यहाँ पर सेंटर का नाम देना है, मैं दे दिया। आप यहां से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा आदर है, मैं आदर सिलेक्ट कर दिया। कंप्यूटर ट्रेनिंग सिलेक्ट कर दिया, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का नाम सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए डेट भी सिलेक्ट कर दिया, मतलब जब सबमिट कर रहे हैं उससे पहले दिन। और ये मैं कंटिन्यू भी कर सकते हैं और मैं कंटिन्यू कर दिया रिमार्क्स में। अब यहाँ पर 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके सबमिट एनेक्सा 3 क्लिक करना है। मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एनेक्सा 3 सबमिट सक्सेसफुली दिखाएगा। देखिए, एनेक्सा 3 सबमिट सक्सेसफुली। अब आप प्रिंट भी यहां से निकाल सकते हैं। मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऐसा दिखाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना है। और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।